हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके में MCQ क्वेश्चंस, राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला इत्यादि पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, थर्मोडायनेमिक्स, IC इंजन, RAC पावर प्लांट, FM, SOM, TOM, DOM सभी के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशन जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इंडियाज फास्टेस्ट इंडिजीनियस ट्रेन विच विल रन फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी हैज बीन नेम्ड एज वंदे भारत एक्सप्रेस। इट्स प्रीवियस नेम वाज ट्रेन 18। द न्यू नेम हैज बीन गिवन आफ्टर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम द जनरल पब्लिक। दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली भारत की सबसे तेज स्वदेशी ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। इसका पिछला नाम ट्रेन 18 था। नया नाम आम जनता से सुझाव लेने के बाद दिया गया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड कोची रिफाइनरी प्रोजेक्ट एंड IOCL LPG बोटलिंग प्लांट टू द नेशन इन कोची केरला। प्राइम मिनिस्टर आल्सो लेड ए फाउंडेशन स्टोन फॉर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची केरल में कोची रिफाइनरी परियोजना और IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी है। नेक्स्ट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ हैज डेवलप्ड एन ऐप रोशनी दैट वुड हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड टू रिकॉग्नाइज करेंसी नोट्स। द ऐप कैन रिकॉग्नाइज बोथ ओल्ड एंड न्यू नोट्स and given audio information as to which note you are holding in your hands. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने एक ऐप रोशनी विकसित किया है जो मुद्रा नोटों को पहचानने में दृष्टिबाधितों की मदद करेगा। ऐप पुराने और नए दोनों नोटों को पहचान सकता है और ऑडियो जानकारी देता है कि आप किस नोट को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट, एज ए न्यू इनिशिएटिव इन सिंक्रोनाइज विद द डिजिटल इंडिया कैंपेगन ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप RDP इंडिया 2019 ऑन द रिपब्लिक डे विद द इंटेंट ऑफ मेकिंग अवेलेबल द हाईलाइट्स ऑफ द रिपब्लिक डे इवेंट। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के साथ एक नई पहल के रूप में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर एक मोबाइल ऐप RDP इंडिया 2019 शुरू किया है। यह केवल राजपथ पर दर्शक को गणतंत्र दिवस के आयोजन की झलकियां उपलब्ध कराने के इरादे से ही नहीं बल्कि यह दुनिया भर में आम जनता के लिए भी है। नेक्स्ट, भारत फ्रिज वर्नर लिमिटेड BFWA बेंगलुरु बेस्ड मशीनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैज पार्टनर विद यूनिवर्सल रोबोट्स ए डेनिश रोबोट मेकर एंड ए लीडर इन कोलेबरेटिव रोबोट्स टू को-क्रिएट रोबोट्स फॉर MSME सेक्टर। बेंगलुरु स्थित मशीनिंग समाधान प्रदाता भारत फ्रिज वर्नर लिमिटेड ने MSME क्षेत्र के लिए शहर रोबोट बनाने के लिए एक डेनिश रोबोट निर्माता और सहयोगी रोबोट में एक प्रमुख यूनिवर्सल रोबोट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज सेटअप ए पैनल हेडेड बाय प्रवीण कुटुंबे टू आइडेंटिफाई डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योर्स SIIS एंड एन
argumented regulatory framework is logically established in this regard. Bharatiya Bima Viniyamak Vikas Pradhikaran IRDI ने प्रवीण कुटुंबे की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है ताकि घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बीमा कंपनियों की पहचान की जा सके और इस संबंध में एक संवर्धित नियामक ढांचा तार्किक रूप से स्थापित किया जा सके. नेक्स्ट, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज अनाउंस्ड नारी शक्ति एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर. द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चोजन एवरी ईयर रिफ्लेक्ट्स द कन्वर्जेशंस इथॉक्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नारी शक्ति को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है. हर वर्ष चुने जाने वाला हिंदी शब्द एक विशेष वर्ष की बातचीत लोकाचार को दर्शाता है. नेक्स्ट, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द युवा स्वाभिमान योजना फॉर यूथ फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन अर्बन एरियाज. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने की घोषणा की है. नेक्स्ट, द केरला गवर्नमेंट हैज फ्लोटेड ए प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड रेगुलर पेंशन टू नॉन रेजिडेंट केरलाइट ऑन ए वन टाइम पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज. गवर्नर पी सदाशिवम अनाउंस्ड द स्कीम ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द स्टेट असेंबली. केरल सरकार ने गैर निवासी केरला वासियों के लिए 5 लाख रुपये के एक बार के भुगतान पर नियमित पेंशन प्रदान करने के लिए प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की है. राज्यपाल पी सदाशिवम ने राज्य विधानसभा को अपने संबोधन के दौरान योजना की घोषणा की. अब आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की. द पाकिस्तान गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड सुगर कैन जूस एज द नेशनल ड्रिंक ऑफ द कंट्री. दे कैम एट दिस डिसीजन आफ्टर आस्किंग पीपल्स ओपिनियन इन ट्विटर टू चूज वन अमोंग ऑरेंज कैरेट एंड सुगर कैन. पाकिस्तान सरकार ने गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित किया है. ट्विटर पर संतरे गाजर और गन्ने में से किसी एक को चुनने के लिए लोगों की राय पूछने के बाद वे इस निर्णय पर आए हैं. आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की. ब्लैक पैंथर टुक होम द टॉप अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाई ए कास्ट इन ए मोशन पिक्चर एट द 2019 स्क्रीन एक्टर्स गाइड गिल्ड अवार्ड. ऑन द टीवी फ्रंट दिस इज यूएस नॉब्ड द इनेबल अवार्ड फॉर ड्रामा वाइल द मार्वल्स मिसेज मैसल वॉन द कॉमेडी प्राइज. द अवार्ड सेरेमनी वॉज हेल्ड एट द श्रीन ऑडिटोरियम इन एल ए. ब्लैक पैंथर ने 2019 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में एक मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शीर्ष पुरस्कार जीता. टीवी जगत से दिस इज अस ने नाटक के लिए एनसेम्बल पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि द मार्वल्स मिसेज मैसल ने हास्य पुरस्कार जीता. पुरस्कार समारोह एएलए में श्राइन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था. नेक्स्ट, आसाम गवर्नमेंट हैज कन्फर्ड द रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड 2019 टू वेटरन जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर एडिटर धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती. चक्रवर्ती हैज बीन ऑनर्ड फॉर हिज लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म इन द स्टेट. असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है. चक्रवर्ती को राज्य में पत्रकारिता में उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट, आइए बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट, रैंकिंग रिपोर्ट्स की. नियरली 65% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द यूरोपियन यूनियंस जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR मेकिंग द कंट्री द 6th लीडिंग नेशन ग्लोबली इन द GDPR रेडीनेस इंडेक्स ग्लोबल नेटवर्किंग लीडर अकॉर्डिंग टू सिस्को. वैश्विक नेटवर्किंग प्रमुख सिस्को के अनुसार लगभग 65% भारतीय संगठन यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR के लिए बेहतर तरीके से तैयार है. यह भारत को GDPR तत्परता सूचकांक में वैश्विक रूप से छठा अग्रणी देश बनाता है. नेक्स्ट, बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार. SBI कार्ड एंड इतिहाड गेस्ट द लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ इतिहाड एयरवेज
have joined hands to launch a travel specific visa credit card for members and Indian travelers. This is the first international co-brand partnership of SBI Card, the country's second largest credit card issuer. SBI Card और एतिहाद एयरवेज के लॉयल्टी कार्यक्रम एतिहाद गेस्ट ने सदस्यों और भारतीय यात्रियों के लिए एक यात्रा विशिष्ट वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड की पहली अंतर्राष्ट्रीय सह ब्रांड साझेदारी है। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। द 2019 इंडोनेशिया मास्टर्स ऑफिशियली द देसांतु इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 इज ए बैडमिंटन टूर्नामेंट दैट टेक्स प्लेस एट द स्टोरा गेलोरा बंग कार्नो इन इंडोनेशिया एंड हैज ए टोटल पर्स ऑफ $3,50,000। 2019 इंडोनेशिया मास्टर आधिकारिक तौर पर देसांतु इंडोनेशिया मास्टर 2019 एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो इंडोनेशिया के स्टोरा गेलोरा बुंग कार्नो में आयोजित किया जाता है और इसकी कुल विजेता राशि $3,50,000 है। एंडर्स एंटोनसेन ने पुरुष एकल खिताब जीता और साइना नेहवाल ने महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट, द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज ए टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड एनुअली इन मेलबोर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया। द 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन वाज द 107th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। नोवाक जोकोविच फ्रॉम सर्बिया वोन द मेन सिंगल्स इवेंट एंड नोमी ओसाका ऑफ जापान वोन द वुमेन्स सिंगल्स इवेंट। रोजर फेडरर वाज द डिफेंडिंग चैंपियन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पार्क में प्रतिवर्ष आयोजित एक टेनिस टूर्नामेंट है। सर्वप्रथम 1905 में आयोजित किया गया था। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पुरुषों के एकल इवेंट और जापान की नाओमी ओसाका ने महिला एकल इवेंट जीता। रोजर फेडरर डिफेंडिंग चैंपियन थे। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज कैप्टन जेसन होल्डर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द कंट्री इन 45 ईयर टू टॉप द लिस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट प्लेयर रैंकिंग आफ्टर स्लैमिंग एन अनबीटन डबल सेंचुरी दैट हेल्प्ड स्क्रिप्ट ए मेमोरेबल 381 रन विन ओवर इंग्लैंड इन द फर्स्ट टेस्ट इन ब्रेक डाउन। वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर 45 वर्ष में देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर रहते हुए नाबाद दोहरा शतक लगाया है। इसी के साथ उनकी टीम को ब्रिज टाउन में पहले टेस्ट में इंग्लैंड पर 381 रनों की शानदार यादगार जीत मिली। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ऑफ ट्यूरीज निधन। ऑस्कर विनिंग फ्रेंच कंपोजर माइकल लिगांड हैज पास्ड अवे एज 86 ईयर्स। ड्यूरिंग ए कैरियर स्पेनिंग मोर देन हाफ ए सेंचुरी लिगांड वॉन 3 ऑस्कर्स। हिज फर्स्ट वाज इन 1969 फॉर द सॉन्ग द विंडमिल्स ऑफ योर माइंड फ्रॉम द फिल्म द थॉमस क्राउन अफेयर। ऑस्कर विजेता फ्रांसीसी संगीतकार मिशेल लेंग्रेड का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आधी सदी से अधिक के कैरियर के दौरान लेंग्रेड ने 3 ऑस्कर जीते। उनका पहला गाना 1969 में फिल्म द थॉमस क्राउन अफेयर के गीत द विंडमिल्स ऑफ योर माइंड के लिए था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज का करंट अफेयर्स, करंट समाचार, जो कि आपकी करंट डेली की न्यूज है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।